असलकम इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ये थर्टी फर्स्ट लेक्चर है हम जो जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है अकाउंटेबिलिटी यानी लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी थर्टियथ लेक्चर में वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटबिलिटी अब जिस जो हम इस एरिया में दूसरा टॉपिक जो है वह है फाइनेंशियल अकाउंटबिलिटी ये यूं कह लें कि हम ऑडिट की बात करेंगे ऑडिट इज ए काइंड ऑफ एन अकाउंटेबिलिटी टू रियली सी वेदर द रूल्स द प्रोसीजर्स हैव बीन कम्प्लाइड इन दाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉट सो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ऑडिट और अब हम ये देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन से एरियाज जो हैं वो कवर करेंगे हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में कि ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर ये मैं बताती चलूँ कि ऑडिट जो है वो फाइनेंशियल uh, अकाउंटेबिलिटी से रिलेट करता है यानी uh, हमने जो एक टॉपिक पब्लिक फाइनेंस का कवर किया था उसमें जिस चीज़ की हमने बात की थी कि पब्लिक मनी जो है उसका जो जिसको uh, उसका एक्सपेंडिचर है वो किसी तरीके से किसी uh, कानून के तहत जो है वो होना चाहिए अब ये ऑडिट uh, में हम देखेंगे कि ये ऑडिट का कॉन्सेप्ट जो है एक्सपेंडिचर साइट से रिलेट करता है पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है एंड हाउ डज़ इट रिलेट टू दी स्पेंडिंग ऑफ द पब्लिक मनी फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है परफॉर्मेंस ऑडिट का परफॉर्मेंस बजटिंग की हमने बात की थी परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो उससे रिलेट करता है कि अगर आप परफॉर्मेंस बजट बनाते हैं तो आपका जो मैकेज़म है वो ऑफ uh, अकाउंटबिलिटी uh, जो है वो ऑडिट uh, का uh, वो परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट की वैसे तो बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो डेफिनेशन हमने सिर्फ दो आज सेलेक्ट की हैं डेफिनेशंस, और इसमें से पहले जो डेफिनेशन आपके सामने स्लाइड पर है वो है एन एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डेट सपोर्ट विदोर्टिंग डॉक्यूमेंट विद है प्रोफेशनलिज्मेट कंपनी यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है फाइल ऑर्डट जो है वो ना सिर्फ पब्लिक ऑर्गेनाइजेश में होता है बल्कि वह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्डिट जो है वो असेंशियल कॉम्पोनेंट है उसका पर्पज़ ये है कि आप जो पैसा देते हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो उसको खर्च करने का एक तरीक़ार है और अगर उस तरीक़ाकार से पैसा खर्च किया जाए और ऑडिटर्स उसको अप्रूव कर दें यानी आप प्रॉपरली अपना जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करें uh, तो उस uh, यानी रिकॉर्ड करें यानी लिख लिख के डॉक्यूमेंट करके और विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स इट शुड बी कंप्लीट इन दैट सेंस तो ये पहली डेफिनेशन है कि वेरीफिकेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड विद दपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स

तो आप इस चीज़ पे देखें तवज्जो करें जो चीज़ इस डेफिनेशन में तवज्जो तलब है वो ये है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस का रिकॉर्ड करना यानी आप उसको एग्जामिन करें और आप देखें कि आया वो तमाम कवानी या रेगुलेशंस या लॉज जिसके तहत आपको पैसा खर्च करने की इजाज़त मिली है क्या उनको फॉलो किया गया है या नहीं और जो एक अहम चीज़ है उसमें कहा है फाइनेंशियल अकाउंट और फाइनेंशियल सिचुएशन यानी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स हैं वो आ, या उसकी जो फ़ाइनेंशियल सिचुएशन है वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है और ऑडिट का मकसद है कि एग्ज़ामिनेशन यानी इस चीज़ को आप एग्जामिन करें यानी देखें कि वो चीज़ जो पैसा खर्च किया गया है वो उन तमाम कवानी प्रोसीजर्स यानि क़ायदे कवानी तरीके से जो लिखे हुए तरीके हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कंप्लीट की गई हैं आमतौर पे जो ऑडिट का कॉन्सेप्ट है वो दो तरह का होता है यहाँ पे मैं बताती चलूँ आपको एक है इंटरनल ऑडिट होता है एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है और इंटरनल ऑडिट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एक्सपेंडिचर के लिए अप्रूवल के लिए भेजा जाता है यहाँ पर यूँ मैं आपको मिसाल देती हूँ Uh, मिसाल के तौर पे uh, जैसे बजट में तो हमने बात की थी कि एक आइटमाइज बजट होता है आइटमाइज बजट uh, की हमने यही कहा था कि मिसाल के तौर पे यह कहा गया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्नीचर परचेज करना है जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी आर आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल देर नंबर ऑफ थिंग ऑर्गेनाइजेशन परचेज ए ईयर तो उसमें यह देखना है होता है कि मिसाल के तौर पे अगर ये कहा गया है के फर्नीचर परचेज़ करना है उस साल में ऑफिस फर्नीचर और ऑफिस फर्नीचर जो है उस वो, वो एक आइटम के तहत अपेयर करेगा बजट में अब उसको स्पेंड करने का यानी खर्च करने का एक तरीका है आम तौर पर जो सरकारी अदारे हैं वो तरीका ये इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक ख़ास लेवल से एक्सपेंडिचर ज़्यादा है अगेन uh, मैं आपको मिसाल दूंगी कि अगर वो दो हज़ार के अंदर का एक्सपेंडिचर है उसके लिए आपको कोटेशंस कॉल नहीं करनी पड़ती लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो फॉर दी पर्पस ऑफ़ दिस इंश्योरिंग फाइनेंशियल कंट्रोल इस चीज़ को uh, सामने रखा जाता है कि अगर आपकी परचेज़ एक्सीड करती हैं टेन थाउजेंड से तो आपको उसमें कोटेशन्स कॉल करनी पड़ती कोटेशंस का मतलब ये है कि जो उस चीज़ के उस आइटम के सप्लायर्स हैं आप उसको इनवाइट करें आप कहें कि आपको ये चीज़ उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट करें और आप कहें कि आपको ये चीज़ जो है वो आइटम जो है आ, वो सप्लायर आपको सप्लाई करे तो आप उसके लिए कहेंगे कि तीन मुख्तल सप्लायर से उस आइटम की परचेज़ प्राइस पूछेंगे और जिसकी प्राइस सबसे कम होगी उससे आप परचेज कर लेंगे तो ऑडिट का ये एक तरीका है जो इंटरनल ऑडिट है वो इंश्योर करता है कि आया ऑर्गेनाइजेशन ने वो आइटम परचेज़ करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा कि तीन सप्लायर्स से प्राइस जो है वो मांगी प्राइस मांगने को कोटेशन भी कहते हैं यानी तीन मुख्तलिफ सप्लायर्स ने प्राइसेस को कोट किया और अगर प्राइसेस को कोट किया तो क्या जिस सप्लायर की सबसे कम प्राइस थी उससे आइटम्स परचेस की गई और परचेज़ की गई तो बिल थ्रू चेक पे किया गया ही, और फिर चेक पे किया गया तो उसकी रिसीट मिली और वो सब चीज़ें जो हैं यानी कागज़ की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल होनी चाहिए ये तरीका है एक स्टैंडर्ड तरीका है जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो अदारे हैं वो भी ये तरीका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर सिर्फ ये मिसाल इसलिए दी कि आपके ज़ेहन में ये बात आ रही होगी कि वो कौन से कायदे कवानीन और रेगूलेशन प्रोसीजर्स हैं जिनकी हम बार बार तस्करा कर रहे हैं तो ये एक, एक मिसाल दी कि ये एक मिसाल है वैसे बहुत बेशुमार फाइनेशल प्रोसीजर्स होते हैं जिसका हम रेफरेंस जो है जब हम आगे चलेंगे तो उसका हम रेफरेंस देंगे अब अगेन आपके सामने ये बात की वजाहत करने की कोशिश की और जो मैंने आपको मिसाल दी है उससे ये जो एक्सप्लेनेशन फर्द दी है वो और क्लियर हो जाएगी यानी इस यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दी है कि जो ऑडिट करते हैं वो ये देखते हैं कि क्या सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं यानी वो सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं रिपोर्ट्स मौजूद हैं कोटेशंस मौजूद हैं और मैंने इंटरनल कंट्रोल uh, या इंटरनल ऑडिट की बात की तो जो चीज़ एग्जामिन की जाती है ड्यूरिंग uh, ऑडिट वो है डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड अदर एविडेंस फॉर वन और फॉर वन और मोर मोरप ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस राइट तो इसमें ये जो आपको मिसाल दी थी उसमें यही बताने की कोशिश की गई थी कि वो जो तीन कोटेशन्स का है अगर वो आइटम परचेज़ कर ली है तो जो इंटरनल ऑडिट है वो ये आ, और एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो ये देखेगा कि क्या इंटरनल ऑडिट ने इन तमाम चीज़ों की जो एप्लीकेशन है यानी डॉक्यूमेंट्स जो हैं रसीदें जो हैं सप्लायर्स की जो प्राइस कोटेड प्राइसेस हैं वो तमाम जो हैं वो मौजूद हैं एक चीज़ और एड करती चलूँ वो ये है कि जब परचेजेस होती हैं ख़ास तौर पर पब्लिक मनी जब स्पेंड की जाती है तो उसका तरीक़ाक ये होता है कि आप अपने अदारे में एक कमेटी बना लेते हैं परचेज़ कमेटी कह लें का नाम दे लेते हैं मुख्तलिफ़ अदारे मुख्तलिफ नाम देते हैं तो उस कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि वो ये तमाम प्रोसीजर को इंश्योर करें फिर अदारों में इंटरनल ऑडिटर्स भी होते हैं और वो इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं इंश्योर करते हैं कि ये तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो किए गए और फॉलो करने का मकसद क्या होता है जो कि हम अगली स्लाइड पर देखेंगे ये तमाम चीजें दे आर डन फॉर द फॉलोइंग नाउ इसमें सबसे पहली चीज जो देखी जाती है ये तमाम कार्रवाई करने में जब आप परचेज करते हैं यह देखा जाता है कि जो प्रोप्राइटी ऑफ द अकाउंट्स यानी ये देखना मकसद होता है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं प्रोप्राइटी मीन्स प्रॉपरली यानी दे आर ट्रू दे आर ऑथेन्टिक दे आर रियल दे आर नाट फर्ज दे आर नाट मेडअप और मनुपलेटेड तो पहला जो इसका एग्जामिनेशन का पर्पज़ है वो है प्रोप्राइटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और ये भी देखा जाता है कि क्या मैथमेटिकली यानी जो कैलकुलेशनस की गई हैं किसी भी आइटम को परचेज करने के लिए वो सही है दूसरी चीज़ जो इस ऑडिट uh, का मकसद होता है वो है सर्टेनिंग वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड यानी तमाम जो ट्रांजैक्शंस uh, uh, का मतलब है वो तमाम डील्स uh, जो uh, किसी अदारे ने किसी आउटसाइड सप्लायर के साथ की हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेड हैं uh, ये बात मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कही कि जो ब्यूरोसी है उसका एक बहुत अहम जो पहलू है वो ये है कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में आए कोई भी फैसला फैसला उस वक्त तक नहीं कहलाता अदारों में जब तक कि वो उसकी एक रिटर्न शक्ल ना हो यानी कोई डिसीजन जो है अगर कोई आपको ज़बानी कह दे कि ये फैसला हुआ है लेकिन उस फैसले को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक लिखा हुआ वह फैसला आपके सामने ब्लैक एंड वाइट में ना हो तो जो ऑडिट का पर्पज है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्डेड हों यानी वो ब्लैक एंड वाइट में सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो पूरे हुए हुए हों तो ये उसका सेकेंड मकसद है तो तीसरा जो पर्पज है वो है डिटर्मनिंग वेदर ट्रांजेक्शन आर एक्टली रिफ्लेक्टेड इन दाउंट एंड द स्टेटमेंट ड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अब यहाँ पे पूरा जो अकाउंटिंग का मेकेजम है वो कम्स इन टू प्ले यानी कोई भी अदारा है अब चूंकि हम अकाउंटिंग तो इस वक्त पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन अगर आप अकाउंटिंग का कोर्स लें और उसमें आप अकाउंटिंग के सिस्टम्स को पढ़ें तो मैं ब्रीफली आपको ये बताती चलूँ कि उसमें ये uh, एक हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीका होता है लेकिन जो गवर्नमेंट के uh, अदारे होते हैं उसमें एक uh, एक डॉक्यूमेंट एक किताब होती है जिसको अभी उसका जिक्र हम करेंगे उसमें ये सारे सिस्टम्स लिखे हुए होते हैं कि किस तरह से आपने अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो है वो मैकेनिज़म्स डेवलप करने हैं तो उसमें एक तरीका ये होता है कि अगर आपने पैसा स्पेंड करना है तो उसमें आ, वो जहाँ से आपने पैसा निकालना है बैंक में उसका अकाउंट हो तो पब्लिक सेक्टर के आम तौर पे ये कहा जाता है किसी नेशनल बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए फिर उसकी उस बैंक से आ, आ, बैंक आपको इशू करता है चेकबुक जो कि किसी इंडिविजुअल के नाम पे नहीं होता वन ऑफ दी पोजीशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की आ, मिसाल के तौर पे अगर फाइनेंशियल प्रोसीजर्स जो है डायरेक्टर फाइनेंस अगर है तो उसके नाम पे वो अकाउंट जो है वो खोला जाता है सो इट इज़ नॉट पर्सन बट इट इज़ दी पोजिशन जिसके uh, उससे वो अकाउंट होता है बट दे वुड ऑफकोर्स बी ए पर्सन सो so, एक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है आपके रजिस्टर्स होते हैं जिसमें टोटल अमाउंट जो आ, किसी भी आइटम के लिए मौजूद होता है वो दर्ज किया जाता है फिर वो जो स्पेंड होता है और उसकी डेट के साथ और जो भी रिसीट्स या बाउचर्स हैं उनके साथ उसको अपेंड किया जाता है रजिस्टर में सारी एंट्री होती है अकाउंट्स की जो रिसीट्स हैं वो सारी लगाई जाती हैं सो so, ये इंश्योर मकसद यहाँ बताना ये है कि ये भी ऑडिट का पर्पस है कि ये इंश्योर किया जाए कि तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं रिकॉर्डेड हैं और उसका एक प्रॉपर अकाउंटिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसको फॉलो किया गया तो तीन मकसद हैं किसी भी ऑडिट के एक तो देखना कि प्रोपराइटी एंड मैथमेटिकल एक्यूरेसी है होनी चाहिए दूसरा वी वॉन्ट टू एसरटेन के जो ट्रांज़ेक्शन हैं वो एक्यूरेट हैं और तीसरा ये है कि प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के वो फॉलो किए गए हैं तो कोई भी एक्सटर्नल ऑडिटर होगा कम अज कम वो इन तीन चीजों को जरूर देखेगा तो फाइनेंशियल ऑडिट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं और यही एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी से डील करता है कि फाइनेंशियल ऑडिट का मकसद यही है कि तमाम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इन तीन मकसद की नज़र से देखा जाए और ये इंश्योर किया जाए कि वो जो पैसा किसी अदारे को मिला है वो उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो ना सिर्फ मकसद के लिए इस्तेमाल हो बल्कि जिस बजटरी आइटम से वो एक्सपेंडिचर निकाला गया है वो उसी आइटम पर ख़र्च किया जाए ये ना हो कि पर जो पैसा बजट में आया है वो फर्नीचर की परचेज़ के लिए है और वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाए सो so, ये एक फाइनेंशियल ऑर्डर जो है उसका ये एक पर्पस होता है अब हम बात करेंगे कि जो पब्लिक के अदारे हैं उनमें जो प्रोविजन हैं क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा डील कर रहे हैं और हमने ये बात जो भी बात की है उसका हमने ये देखा है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में Uh, किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है तो आर्टिकल 169 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का uh, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इस चीज़ की वजाहत की गई है कि वो कौन सा अदारा है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऑडिट इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इंश्योर करे तो एज दिस स्लाइड रीड्स दैट इट सेज दैट आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गज दंक्शन ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान And who heads the Auditor General heads the Audit and Accounts Organization of Government of Pakistan. This organization under the Audit and Accounts Order 1973 ensures that public money is spent and transactions are made in accordance with the financial rules. Now ki constitution ka ek article hai, 169. Uske Auditor General of Pakistan ka jo office? Hai, wo create लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि एक ब्रॉड पैरामीटर्स हमें देती है जो उसके आगे उसके लिए रूल्स चाहिए या उसके लिए कोई एक्ट uh, चाहिए वो बाद में लैजस्लेचर से पास होता है तो इस uh, जो आपको स्लाइड से बात सामने आती है कि एक ऑडिट ऑर्डर जो है ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑर्डर जो है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो बनाया गया ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑर्डर यानी ऑडिट एंड अकाउंट ऑर्डर का मतलब है ये रूल फ्रेम किया गया जिस को एंड ऑल द लॉज रिमेंबर दिस थिंग हैव टू बी पास थ्रू देंबली असम्बली को उसे अप्रूव करना पड़ता है एनी बिल एनी लॉ एनी रेगुलेशन टू बी पुट बिफोर दी टिल्वाज दिल इट एक शेप लॉ सो एक जो है एक ऑर्डर कह लेंगे ये जारी किया गया 19 जिसके तहत ये था कि ऑडिट के उसमें से रूल्स निकले कि ऑडिट के रूल्स क्या होने चाहिए गवर्नमेंट के सो so, ये एक, एक बाकायदा एक वो तवील डॉक्यूमेंट है जो बड़ी वजाहत से हर चीज को एक्सप्लेन करता है कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसमें जितने भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो इस ऑर्डर के तहत जो हैं वो किए जाएंगे यानी जो ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑर्डर है इसके तहत किए जाएंगे तो इस पॉइंट इन टाइम यानी जो हम बात अभी कर रहे हैं इस वक्त तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक जो है लॉ एग्ज़िस्ट करता है जिसके तहत तमाम चीज़ें जो हैं ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल जो हैं वो आ, होती हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हाँ अगर आप एक आ, कोई एडवांस्ड कोर्स अकाउंटिंग में या पब्लिक फाइनेंस में जैसे कि मैंने यहाँ अपने वी वर टॉकिंग अबाउट पब्लिक फाइनेंस आ, जो हमने तीन लेक्चर्स पे कवर किया था तो मैं बात करी थी कि अगर आप कोर्स लें पब्लिक फाइनेंस में तो आप इन चीज़ों को मजीद तफसील में पढ़ेंगे लेकिन इस पॉइंट इन टाइम में फॉर दिस फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्स आई थिंक दिस इज सफिशियंट टू अंडरस्टैंडर इज दिस लॉ विच हैज दिज रूल्स डेट हाउ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड टेक प्लेस नाउ इट फर्दर से अकाउंट ऑफ द फेडरेशन एंड द प्रोविंस विल बी कैप्ट अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर यही जो ऑर्डर है इसके तहत जो है तमाम अकाउंट्स जो हैं फेडरेशन के भी और प्रोविंस के भी और यहाँ पर ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि जो चीज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं उसकी एप्लीकेशन सिर्फ फेडरल लेवल पर नहीं होती उसकी एप्लीकेशन चारों सूबों में होती है और तमाम रिकॉर्ड जो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का वो इन ही कवानी और इन्हीं रूल्स के तहत जो है वो चलाना जो है वो ज़रूरी यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितनी भी हैं चाहे प्रोविंशियल लेवल पर रहूँ फेडरल लेवल पर उसके लिए कवानी जो हैं वो यकसा हैं उसमें कोई अलैदा नहीं है वो अब ये क्वेश्चन है यूज़ ऑफ पब्लिक मनी जैसे हमने ये बात कही थी जब हम पब्लिक फाइनेंस में बात कर रहे थे कि जो पब्लिक मनी है हमने ये देखा था कि जो पैसा हुकूमत के पास आता है वो पैसा होता है टैक्सेस के जरिए आता है ये नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं और हमें मालूम है कि नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं और फिर तीसरा जो मेजर सोर्स है ये है कि गवर्नमेंट बोरो करती है गवर्नमेंट बोरो करती है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री सो ये तमाम पैसा जो है पब्लिक मनी है अब आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि ये जो है कि पब्लिक मनी जो है उसको स्पेंड करने का जो तरीका है और एक किताब जो कि स्लाइड पे आपको नजर आ रही है ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग हैंड बुक एक ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग हैंड बुक होती है हर जो गवर्नमेंट का अदारा है और उसमें जो भी फाइनेंस से और अकाउंट से डील करता है वो किताब उनकी मेज़ पर जरूर मौजूद होती है और इस किताब में वो तमाम तरीके दिए हुए होती हैं और इसमें सबसे जो किताब को जब आप खोलें तो दर्स्ट सेंटेंस दैट द बुक हैज रीड्स दैट इट से पब्लिक मनी एज इफ यू आर स्पेंडिंग योर ओन मनी यानी इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि जैसे ये आपका अपना पैसा है इसमें जो सबसे अहम एलिमेंट है वो प्रूडेंस का है प्रूडेंस का मतलब है कि एहतियात से और uh, कफायत शारी से और सोच समझ के पैसा जो है वो खर्च करें तो यूज ऑफ पब्लिक मनी जो है वो uh, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं और जो फाइनेंस और अकाउंट्स पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं सो प्रूडेंस इज द एलिमेंट दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट द यूज ऑफ दी पब्लिक मनी अब एक कॉन्सेप्ट जो है उसको ये तो हमने ऑडिट की बात की कि फाइनेंशियल ऑडिट के ब्रॉड पैरामीटर्स आपको बताए क्योंकि हम फाइनेंशियल ऑडिट एक बड़ा स्पेशलाइज डिसिप्लिन है एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसके अंदर बहुत फाइनर डिटेल्स हैं लेकिन हमने इसके ब्रॉड पैरामीटर्स ये बताए कि इट इज एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड अकाउंटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज दैट आर आउटलाइन एंड फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव सीन दैट देयर इज दिस ऑडिट एंड अकाउंट ऑर्डर जिसके तहत तमाम एक्सपेंडिचर जो है वो रूल्स के मुताबिक जो है वो किया जाता है अब ये तो कॉन्सेप्ट था ऑडिट uh, का लेकिन जो अब कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात आगे करने चले हैं वो है परफॉर्मेंस ऑडिट का ये कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस बजटिंग जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में कहा परफॉर्मेंस बजटिंग से रिलेटेड है और हमने ये बात जब परफॉर्मेंस बजटिंग की बात कर रहे थे ये बात uh, uh, बताई थी ये परफॉर्मेंस बजटिंग रिलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से टास्क से और जो फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म करनी है उनसे रिलेट करता है यानी बजट जो है जब आप परफॉर्मेंस बजट बनाते हैं तो उसमें ये तमाम चीजें कि आप कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो एक्प्लिश uh, करेंगे इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम उस पर कितने अखराज आएंगे वगैरह वगैरह तो परफॉर्मेंस ऑर्डर जो है वो भी परफॉर्मेंस बजटिंग से डील uh, करता है और इसका मकसद ये होता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए पैसा लिया क्या वो एक्टिविटीज़ आपने कंप्लीट की या नहीं तो जैसे कि स्लाइड में है द स्लाइड रीड्स एस फॉलोस इट सेज द टर्म वैल्यू फॉर मनी रेफर वे इन विच रिसोर्स फाइनेंशियल ह्यूमन एंड फिजिकल हैव बीन एलोकेटेड एंड यूटिलाईज बाई द एंटिटी तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है एंटिटी एंटिटी का मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना है ऑर्गेनाइजेशन यानी वैल्यू फॉर मनी को इनवर्टेड कॉमर्स में लिखा है इसका मतलब यह है कि जो पैसा खर्च किया गया क्या पैसा उस पैसे से वॉज देयर ए रियल रिटर्न ऑफ द मनी डि ऑर्गेनाइजेशन गेट द वैल्यू फॉर द मनी यानी उसकी रिटर्न जो है जो जो पैसा स्पेंड किया गया है उसका वाकई ही ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न मिला है उसकी वैल्यू मिली है यानी पैसा जो है स्कॉन्डर नहीं किया गया जिस मकसद के लिए पैसा जो है लिया गया था वो उसी तरह इस्तेमाल किया गया है और जो रिसोर्स जिनके लिए जैसा कि स्लाइड में है कि जो रिसोर्स जिनके लिए पैसा लिया गया है वो कोई भी हो सकती हैं दे कुड भी ह्यूमन मटेरियल कैपिटल थ्री काइंड्स ऑफ रिसोर्स फाइनेंशियल जो भी हैं वो इस्तेमाल उन्हीं मकसद के लिए किया गया so, सो जो कॉन्सेप्ट uh, है परफॉर्मेंस ऑर्डिट का uh, वो इन्वर्टेड कॉमर्स जो स्लाइड में आपको नजर आ रहे हैं वैल्यू फॉर मनी यानी द ट्रू वर्थ ऑफ द मनी हैज बीन रिसीव बाई दर्गेनाइजेशन ओके नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर एक्सप्लेन परफॉर्मेंस ऑर्डिट जो है Performance audit as you see it on the slide is, it is a systematic evaluation of the uh, expenditure that the organization has made. And the slide reads as follows. It is an objective and systematic examination of public sector organization's program, activity, function or management systems and procedures to provide an assessment of whether the entity

मी इकनॉमिकली एफिशियंटली एंड इफेक्टिवली और जो बॉटम लाइन है परफॉर्मेंस ऑर्डिट की ये तीन इम्पॉर्टेंट जो वेरिएबल्स हैं यानी इकोनमी एफिशियसी और इफेक्टिवनेस ये वट एवर द मनी वॉज ट्रू वैल्यू फॉर मनी वुड बी इफ इट वॉज डन इकोमिकली एंड इट वॉज स्पेंड इकोनॉमिकली

तो इन तमाम चीज़ों के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा स्पेंड किया तो इन तीन जो ये पैरामीटर्स हैं इनके बेसिस पर परफॉर्मेंस ऑडिट जो है उसको वो एग्ज़ामिन करता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को सो so जो परफॉर्मेंस ऑडिट है असल में बहुत दूसरे फाइनेंशियल ऑडिट के नज पर जो है बड़े इंडिपेंडेंटली इन तीन पैरामीटर्स को इकोनॉमी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को जो है वो एनालाइज करता है आ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अब हम देखेंगे कि इकोनॉमी हमने ये तीन आ, जो कॉन्सेप्ट हैं या पैरामीटर्स जो हैं जिसके बेसिस पर परफॉर्मेंस ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शंस को असेस करता है या एग्जामिन करता है तो इस देखना ये है कि इकॉनमी जो है वो कॉन्सेप्ट किस तरह से एक्सप्लन किया जाता है जब हम परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करते हैं तो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है इट इज कंसर्न्ड विद मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सिस में आ जाते हैं स्टाफ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी इन द दर्सूट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस विद साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज ये देखिए कि इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है कि रिसोर्सिस का बेस्ट पॉसिबल यूज जो है वो किया गया यानी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्ट को मिनिमाइज करें जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं और इसकी अब हम आगे मिसाल देंगे कि कहाँ पर इकॉनमी का कॉन्सेप्ट जो है किस तरह से आप इसको अप्लाई करते हैं इसकी एक मिसाल दी हुई है जो आपके सामने है और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि वेयर स्टैंडर्ड आइटम सच ए स्कूल और हॉस्पिटल सप्लाईज ऑफ ए गिवन क्वालिटी आर परचेज एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस अब आप देखें कि मैंने आपको जब ऑडिट की हम बात कर रहे थे और एक बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है जब ऑडिट वाले जब ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई अगर एक कोई आइटम परचेज की है जिसकी प्राइस जो थी मैंने आपको मिसाल दी थी मिसाल के तौर पर टेन है तो क्वेश्चन करते हैं कि क्या कोटेशंस जो हैं वो कॉल की गई थी अब आ, जो, जब जब परफॉर्मेंस मिनिमम जिसकी लोएस्ट प्राइस है जिसने लोएस्ट प्राइस जिस सप्लायर ने कोट की है उससे वो आइटम जो है परचेज की जाए लेकिन परफॉर्मेंस ऑर्डिट में डिफरेंस देखिए परफॉर्मेंस ऑर्डिट कहता है कि जब वो इकोनमी की बात करते हैं वो कहते हैं प्राइस को मिनिमाइज करें एंड सी वॉट यू कैन गेट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस इट डे दैट इट शुड बी द लोएस्ट ना दिस इज समिफरेंट फ्राम वॉट दी ट्रडिशनल ऑर्डिट वुड वु डिमांड फॉर वो और वुड आस फॉर कि मिनिमम प्राइस अगर आप किसी चीज़ की लेंगे तो हो सकता है कि उतनी क्वालिटी ना हो लेकिन परफॉर्मेंस ऑर्डिट जो है वो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसको सामने रखता है और वो वो इस चीज़ की एक्सप्लन uh, करता है कि आप बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे वैल्यू फॉर मनी यानी यू आर पेइंग एंड वी डोंट हैव टू थ्रो अवे दि पब्लिक मनी बाई बाइंग ए वेरी चीप एंड ए शोडी थिंग एंड नॉट गेटिंग द वैल्यू फॉर द मनी सो इस ये जो एग्जाम्पल है इसमें ये एक सोशल सेक्टर एक हॉस्पिटल या स्कूल की एग्जाम्पल है इसमें जो भी परचेजेस की गई हैं उसमें यह देखना है कि बेस्ट पॉसिबल प्राइस में आपको क्या मिलता है दिस इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ इकॉनमी अब एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट तो हमने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन यहाँ पर हम परफॉर्मेंस ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में जो है एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट वही है जो कि पहले एक्सप्लेन किया गया कि इनपुट और आउटपुट का जो रेशो है वो क्या है इन यू ट्राई टू गेट दी मैक्सिमम और दी बेस्ट पॉसिबल गुड्स और सर्विसेज और एनी आइटम Uh, with given resources and as the slide reads it is as follows it says efficiency is concerned with the relationship between goods and services produced and the resources used to produce them that is the inputs required for producing those goods an efficient entity produces the maximum output from any given set of inputs it's the same definition jo efficiency ki शुरू के लेक्चर्स में दी थी वही इसकी यहाँ पर डेफिनेशन है और यहाँ पे ये कहना मकसद है कि आपके पास जो भी गिवन रिसोर्स हैं उसमें जो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट दिया जा सकता है या जो बेस्ट पॉसिबल आप चीज़ अगर बजट इज़ लिमिटेड तो उसमें ये देखना है कि आप उस लिमिटेड बजट में जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ परचेज कर सकते हैं या आप दे सकते हैं कोई सर्विस वो देने की कोशिश करनी चाहिए अगेन द एग्जाम्पल इज गिवन इन द एग्जाम्पल इज एफिशिएंसी हैज इम्प्रूव्ड व्हेन द यूनिट कॉस्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन और प्रोवाइडिंग हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड ओवर टाइम और वेयर मोर चिल्ड्रन हैव बीन टॉट और हॉस्पिटल बेड्स प्रोवाइडेड विदाउट एडिशनल रिसोर्सेज अब यहाँ पर जो एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश ये की गई है कि मिसाल के तौर पे अगर एक स्कूल पब्लिक सेक्टर में एग्जिस्ट करता है और उस स्कूल में लेट्स से कि प्रेजेंटली उसकी कैपेसिटी जो स्कूल की है वो 300 इट कैन एकोमोडेट 300 चिल्ड्रन लेकिन आ, इस सूरत में हम ये कहेंगे कि 300 हंड्रेड चिल्ड्रेन के बजाय प्रेजेंटली वहाँ पे लेट से देर आर ओनली हंड्रेड चिल्ड्रन स्टडिंग तो इट इज़ नॉट वेरी वी विल से इट इज़ नॉट वेरी एफिशेंट बिकॉज जो गिवन रिसोर्स हैं वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रही उसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही है तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जैसे कहा कि जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसमें जब आप अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं आउटपुट यानी अगर आप 100 चिल्ड्रन से उसकी लेट्स से टू भी ले जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट स्टडिंग इन दैट स्कूल तो आपके जो यूनिट कॉस्ट है यानी कॉस्ट पर स्टूडेंट जो है दैट विल फॉल अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कम होंगे तो आपकी यूनिट कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी राइट right? नेचुरली आप वर्कआउट करके भी देख लें कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि जो 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 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो उतनी ही रहेंगी uh, उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है इफ़ मोर स्टूडेंट्स कम यू मे हैव टू हायर मोर टीचर लेकिन उसकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चाहे आपके पास हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं या थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं आपको फिक्सड कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ेगी तो यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन करती है एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड इनक्रीज

वो हमेशा रिलेट करता है टू द अचीवमेंट ऑफ द गोल द परफॉर्मेंस ऑडिट पीपल हु प्री डिटर्म ऑब्जेक्टिव दैट इज स्पेसिफाइड प्लान अचीवमेंट और गोल्स एंड विद एक्चुअल इम्पैक्ट दउटपुट अचीव कंपेयर इंटेंडेड इम्पैक्ट दैट इज दूसिंग ए रेंज ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स एंड इंडिकेटर्स इट इज पॉसिबल सेस एन एंटिटीज इफेक्टिस्स सो इफेक्टिस् कांसेप्टफॉमेंस ऑडिट में भी वही है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने गोल्स प्री डिटर्मन गोल्स उसने जो भी एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड जो भी इस्टेबलिश किए थे वो प्री डिटर्मन गोल्स अगर ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर लेती है और अन इंटेंडेड भी अगर अचीव हो जाते हैं

परचेज आइटम और सर्विस प्रोवाइड वॉज फिट फॉर पर पहली एग्जाम्पल में ये बात बताने की कोशिश की गई है कि जो अगेन स्कूल की मिसाल से ही लिया गया है कि वहाँ पे अगर जिस तरह की तालीम वो स्कूल देना चाहता था राइट जो उसने अपने ऑब्जेक्टि अचीव किए इन प्रोवाइडिंग दैट एजुकेशन इट वुड मीन दैट इट द स्कूल वॉज इफेक्टिव राइट इसी तरह से अगर हॉस्पिटल जो है द काइंड ऑफ़ मेडिकल केयर इट वॉन्ट टू प्रोवाइड इफ दैट वॉज द ऑब्जेक्टिव देन इफ इट इज़ बीन एबल टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ हेल्थ केयर दैन दी ऑफ दैट हॉस्पिटल हैज़ बीन अचीव तो यहाँ पे देखें कि परफॉर्मेंस ऑडिट में जो अहम चीज़ है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करने पड़ते हैं यानी उसको पता होना चाहिए कि उसने किस क्वालिटी की सर्विस जो है प्रोवाइड करनी है ख्वाब uh, स्कूल हो या हॉस्पिटल हो इट मस्ट नो व्हाट व्हाट काइंड ऑफ़ क्वालिटी ऑफ़ सर्विस इज इट गोइंग टू प्रोवाइड और जो दूसरी मिसाल में है